हेलो फ्रेंड्स, तो आज का बड़ा सवाल, क्या डेडपूल 3 के अंदर टीवीए वाले डेडपूल को पकड़ लेंगे? तो भाई उसका जवाब है मोस्ट प्रोबेबली यस। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो भाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ट्वीट वायरल हो रहा है कल से। मिस मिनट, जिसको आपने लोकी सीरीज के अंदर देखा ही होगा, उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि हेलो एट द रेट डेडपूल, लव फ्रॉम मिस मिनट, जिसपे रायन रेनॉल्ड्स ने अपना रिप्लाई भी दिया है। तो भाई क्या ये सिर्फ मजाक है या फिर कुछ हिंट देने की कोशिश हो रही है यहाँ पे? तो भाई मेरे को लगता है कि हिंट देने की कोशिश हो रही है। अब दोस्तों, शायद आप लोगों को याद होगा कि अभी से कुछ दिन पहले मैंने डेडपूल 3 के प्लॉट लीक्स की बात की थी, जिसपे कुछ लोगों को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन भाई उन प्लॉट लीक्स में भी ऐसा ही था। मतलब टीवीए के बारे में जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन हाँ इतना जरूर बताया गया था कि डेडपूल 3 से डेडपूल जो है वो एक्समैन के यूनिवर्स से एमसीयू के यूनिवर्स में आ जाएगा। अब कैसे आएगा वो आप उस वीडियो पर जाकर देख सकते हो, लिंक आई बटन पर दे दूंगा। फिलहाल उस प्लॉट लीक के बारे में थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बता देता हूँ। भाई देखो, होने ये वाला है कि इस मूवी के अंदर, मतलब डेडपूल 3 मूवी के अंदर, हमें ये पता चलेगा कि लोगन का एक बेटा भी है। उसकी बेटी को तो हम लोग लोगन मूवी में देख ही चुके हैं, लेकिन भाई उसका एक बेटा भी है जिसके बारे में लोगन को भी नहीं पता, लेकिन इस मूवी के अंदर उसको अपने बेटे के बारे में पता चलेगा। उसका बेटा एमसीयू के यूनिवर्स में आ जाएगा, कुछ कांड करेगा, जिसको ढूंढने के लिए ही डेडपूल और वॉल्वरिन एक साथ मिलकर एमसीयू के यूनिवर्स में आएंगे। और बाकी की कहानी आप लोग प्लॉट लीक वाली वीडियो में देख लेना यार, आई बटन पर जाकर। फिलहाल ऐसा हो सकता है कि डेडपूल जब एमसीयू के यूनिवर्स में आएगा तभी टीवीए वाले उसको पकड़ लें। और दोस्तों, अगर सच में ऐसा कुछ होता है तो फिर मे बी लोकी के सीजन 2 में ऐसा कुछ हिंट भी दे दिया जाए, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, टीवीए को एक्सप्लोर तो हम लोकी के सीरीज में ही करने वाले हैं ना। तो हो सकता है कि उसके पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर कुछ ऐसा हिंट दे दिया जाए, लेकिन हाँ ये सिर्फ मेरी थियरी है यार, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो खैर, ये तो थी डेडपूल 3 से रिलेटेड अपडेट, लेकिन भाई जाने से पहले बात कर लेते हैं CCXP इवेंट के बारे में, क्योंकि कल से यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक CCXP का इवेंट होने वाला है, जिसमें मार्वल का भी 40 मिनट का पैनल होगा, और उस पैनल के अंदर केविन फाइगी के साथ साथ एंटमैन 3 की कास्ट एंड क्रू भी शामिल होगी। तो भाई एंटमैन 3 का ट्रेलर तो एक्सपेक्ट कर ही लो तुम, लेकिन हाँ इसके अलावा गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का भी एक टीजर हमें देखने को मिल सकता है, लोकी सीजन 2 का टीजर देखने को मिल सकता है, फिर उसके बाद सीक्रेट इन्वेजन की जो सीरीज आने वाली है उसकी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। भाई अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, लेकिन उसकी रिलीज डेट अभी तक हमें नहीं पता, तो हो सकता है कि उसका भी एक छोटा सा टीजर और लॉन्च कर दिया जाए और रिलीज डेट भी बता दिया जाए। और दोस्तों, इन सभी के अलावा हमें फेज 6 की मूवीज के बारे में भी पता चल सकता है, क्योंकि फिलहाल फेज 6 की सिर्फ 2 ही मूवीज हमें पता है, जो कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी है और सीक्रेट वॉर्स है, और इसलिए मार्वल के फेज 6 की 2-3 और मूवीज के बारे में हमें पता चल सकता है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन भाई एक बात और है, हो सकता है कि टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 की भी अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि भाई सिर्फ सोनी की पिक्चर थोड़ी ना है, वो मार्वल की भी पिक्चर है, और जब सोनी इवेंट में नहीं आ रहा तो मार्वल शायद उसको कर दे यार अनाउंस। तो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट क्या होता है। फिलहाल मेरी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।